छिंदवाड़ा में कल मेन रोड पर हुई दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात में प्रयुक्त 9mm कार्बाइन का कनेक्शन अक्टूबर में उत्तर प्रदेश में मऊ विधायक मन्नू अंसारी के गनर राकेश से ट्रेन में हुई लूटपाट और हत्या से निकला है। बताया जाता है कि 25 अक्टूबर को मऊ विधायक मनु अंसारी का गनर राकेश श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तब सुल्तानपुर के दक्षिणी कैबिन के निकट कुछ बदमाशों ने गनर के साथ मारपीट करके उसे चाकू के वार करके बुरी तरह घायल कर दिया था और उसकी कार्बाइन लेकर चेन पुलिंग करके भाग गए थे। बाद में गनर की अस्पताल में मौत हो गई। कार्बाइन का बोझ सरकारी होने के कारण पिछली घटनाओं में पुलिस का ध्यान गया और उत्तर प्रदेश में हुई इस वारदात में लूटी गई कार्बाइन का बोझ सामान होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की अविनाश सिंह चाचा अधिकारी एवं धर्मेंद्र सिंह निरीक्षक के नेतृत्व में टीम तुरंत छिंदवाड़ा के लिए रवाना हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से प्राप्त कार्बाइन का नंबर और छिंदवाड़ा में प्रयुक्त हुई कार्बाइन का नंबर मिलता हुआ पाया गया है एवं वारदात में बरामद चाकू भी गनर की हत्या में प्रयोग किया गया था, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वहां पर हुई घटना में भी इसी लुटेरे संदीप यादव का हाथ है। संदीप यादव सेना से भागा हुआ एक जवान है और छिंदवाड़ा निवासी है। पुलिस का कहना है कि सुल्तानपुर में हुई लूट और हत्या में भी इस भगोड़े सैनिक का हाथ है। उत्तर प्रदेश से आए इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गनर की हत्या में प्रयुक्त चाकू भी वही चाकू है जो लुटेरे के पास से बरामद हुआ है और कार्बाइन भी वही है जो वारदात में लूटी गई थी। ट्रेन में मौजूद लोगों के बयान के आधार पर हत्यारे का हुलिया भी वही बताया जा रहा जो संदीप यादव का है, जिसकी पुष्टि होती है कि वह वारदात भी इसी ने की थी। ज्ञात हो कि छिंदवाड़ा के व्यस्ततम इलाके छोटी बाजार मेन रोड पर दुर्गा श्री ज्वेलर्स में कल सुबह 10:30 बजे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरे ने ऑटोमेटिक कार्रवाई से 5 फायर किए थे। पड़ोसियों दुकान संचालक की बहादुरी के चलते लूट का प्रयास विफल हो गया और लुटेरे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में दुकान संचालक के पेट और पैर में गोली लगी है और उसे गंभीर अवस्था में नागपुर रेफर किया गया। कल सुबह जब दुर्गा श्री ज्वेलर्स के संचालक सोहन ताम्रकार अपने दुकान खोल रहे थे तो एक युवक दुकान के अंदर घुस गया और उसने सारे जेवरात सौंप देने के लिए कहा। संचालक ने विरोध किया तो उसने हवाई फायर कर दिया। तब संचालक और उसके सहयोगी द्वारा लुटेरे को पकड़ने का प्रयास किया गया। लुटेरे ने मामला बिगड़ते देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन आसपास के लोगों ने पकड़कर उसको मारपीट कर दबोच लिया और पुलिस को खबर कर दी थी। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस आरोपी संदीप यादव को रिमांड पर लेकर उत्तर प्रदेश के जाने की फिराक में है। अभी तक पुलिस ने इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जो वेपन सामने आ रहा है वो प्रथम दृष्टया एक कार्बाइन वेपन प्रतीत हो रहा है जो सब मशीन गन की श्रेणी में आता है और इसकी तस्दीक के लिए बैलिस्टिक चेक भी किया जाएगा। इसी वेपन की जांच पड़ताल के लिए और कहां से उसको वेपन प्राप्त हुआ क्योंकि प्रोहिबिटेड बोर्ड की श्रेणी में आता है हमारे पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया गया है और उससे पूछताछ भी की गई है। पूछताछ के दौरान उसने ये घटनाक्रम बताया कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लखनऊ के बीच यात्रा करते समय ट्रेन में उसके द्वारा सुल्तानपुर के पास एक सिपाही के साथ चाकूबाजी करके गन छुड़ाई गई थी। तो इसी घटनाक्रम को ध्यान में रखने हुए हमारा संपर्क उत्तर प्रदेश पुलिस से हुआ और माननीय ADG रेलवे के माध्यम से हमारा संपर्क SP लखनऊ से हुआ, जिनके द्वारा बताया गया कि इसी घटनाक्रम से मेल खाता हुआ एक FIR सुल्तानपुर GRP में दर्ज है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस FIR में जिसमें जैसे बताया गया कि सिपाही के साथ जो कार्बाइन गन लेके चल रहा था चाकूबाजी की गई अज्ञात व्यक्ति द्वारा वो घटनाक्रम संभवतः इस व्यक्ति पर ऊपर हमें शक जा रहा है तो उसकी तस्दीक हेतु हमारे द्वारा विवेचना दल गठित किया गया है और इस विवेचना दल में CSP अमन मिश्रा के नेतृत्व में और TI सुमेर सिंह जगेत के मुख्य विवेचक होने पर इस घटनाक्रम की तस्दीक की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि जो आरोपी कल छिंदवाड़ा में दबोचा गया है उसका डेफिनेटली इस घटना से कुछ लेना देना है और जो गन छिपाई छुड़ाई गई थी वह भी बट नंबर से फिलहाल मैच तो हो रही है जो घटना यहाँ पर हुई है उस गन के साथ साथ। लेकिन छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।